आज का ये सुंदर मंगल प्रभात हो सकता है इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का अंतिम पड़ाव हो आज का यह सुंदर मंगल प्रभात यह भी तो हो सकता है इस पृथ्वी पर इस मृत्यु लोक पर कई सारे जीव शरीरों की जीवन की यात्रा का नया प्रारंभ हो हम दोनों प्रकार के जीव शरीरों की आगे की कल्याणकारी मंगलमय जीवन यात्रा के लिए इस दिव्य स्थान से इस पवित्र स्थान से हमारी सभी की ओर से शुभकामनाएं प्रार्थते हैं द स्कूल ऑफ डिवाइन आर्ट्स में नृत्य कला का धर्म के साथ का संबंध आध्यात्म के साथ का संबंध इस विषय पर आगे ले जाऊंगा क्लैरिटी इज द नेचर ऑफ सॉल्व कन्फ्यूजन इज द नेचर ऑफ माइंड स्पष्टता आत्मा का लक्षण आत्मा के प्रागट्य का लक्षण अस्पष्टता संदिग्धता मन का लक्षण <coughs> स्पष्टता मुक्ति का द्वार अस्पष्टता दीवार बंधन नृत्य कला को जो धर्म के साथ जोड़ा गया उसका जो मुख्य कारण था वो ये था कि नृत्य कला का ठीक से अभ्यास किया जाए या करवाया जाए तो आत्मिक शक्ति बहुत जल्दी से जाग सकती है और जैसे जैसे आत्मिक शक्ति जागती है भीतर से आप स्पष्ट होते जाओगे जीवन के सारे निर्णयों में स्पष्टता आती जाएगी ये नृत्य कला को धर्म के साथ जोड़ने का एक उद्देश्य था कि किस तरह से मनुष्य को स्पष्ट बनाया जाए स्पष्ट किया जाए अगर आप दक्षिण भारत के जो नृत्य है उसके अभ्यास को आप देखो जैसे कि कोई कुचिपुड़ी सीख रहा है या भरतनाट्यम सीख रहा है या मोहिनी अट्टम सीख रहा है सारे के सारे अभ्यास आप देखोगे उसके वो उन लोगों को शायद इस बात का पता ना हो लेकिन फिर भी जो अभ्यास हुआ है और जिसने ठीक से अभ्यास किया है उसके जीवन में आप एक अद्भुत शिस्त पाओगे अद्भुत डिसिप्लिन इंटरनल डिसिप्लिन और एक स्पष्टता भी पाओगे वो इस बात से स्पष्ट इस बात से शायद परिचित नहीं है कि क्यों जीवन में स्पष्टता आती है लेकिन आती है क्योंकि जैसे जैसे आप रिदम पर काम करते हो ठीक से ताल पर काम करते हो तो ताल पर जैसे जैसे आप काम करते जाते हो आपके भाव अपने आप शुद्ध होते जाते अपने आप शरीर अपने आप शुद्ध होता जाता है जो भीतर की सांस है वो अपने आप रिद्मिक होती है जिस तरह से आप रिदम पर काम करते हो तो रिद्मिक सांस होती जाती है और अगर आप कोई भी शास्त्रीय संगीत या शास्त्रीय नृत्य का ठीक से जिसने अभ्यास किया है ठीक से प्राण से अभ्यास किया है ऐसे अभ्यासों को आप मिलोगे आप उसका जीवन देखोगे बैठने उठने की रीत देखोगे तो भी आप पाओगे कोई भी अभ्यास कमर ढीली करके नहीं बैठेगा कोई भी अभ्यास उसे ये पता भी नहीं लेकिन रीढ़ सीधी होगी बैठने में रीढ़ सीधी होगी कभी कोई इवन आप जनरल उसका व्यवहार भी देखोगे ऐसा नहीं कि खाली वर्ग खंड में ही वो सीधा बैठेगा इस तरह से नहीं कभी भी आप उसे देखोगे बैठा हुआ वो कभी भी ढीली कमर से नहीं बैठेगा भारत के शास्त्रीय नृत्य या संगीत का जो अभ्यास हुआ है वो कमर सीधी करके ही बैठेगा कभी कमर को ढीली करके नहीं बैठेगा कभी भी नहीं और अगर ढीली करके बैठा है तो समझो कि उसने ठीक से अभ्यास नहीं किया नृत्य का अपने आप कमर रीड अपने आप सीधी होती जाएगी जैसे आप नृत्य का अभ्यास करते जाओगे नृत्य का आप अभ्यास ऐसा है कि ठीक से अगर आपने नृत्य का अभ्यास शुरू किया सर्व कलाओं में आपका रस साहित्य में रस संगीत में रस सर्व कलाओं में जीवन में अद्भुत रस आना शुरू होगा ये उद्देश्य था कि इस तरह से मनुष्य को मनुष्य के जीवन में शिस्त लाया जा सकता है या मनुष्य को जगाया जा सकता है आत्मिक शक्ति को जगाया जा सकता है नृत्य कला का अभ्यास नृत्य कला के अभ्यास से भी जगाया जा सकता है क्योंकि अगर आप रीड को डिली कर दोगे नृत्य के अभ्यास में अगर आप रीड को ढीली कर दो कमर को डिली कर दो तो आपका जो नृत्य का अभ्यास है वो डेप्थ नहीं पकड़ेगा संगीत का अभ्यास है वो डेप्थ नहीं पकड़ेगा गहराई नहीं पकड़ेगा क्योंकि गहराई पकड़ने के लिए नृत्य और संगीत में अगर जिसे गहराई पकड़नी है तो उसकी रीढ़ तो सीधी ही चाहिए सीधी रीढ़ होगी तो ही जो शक्ति चक्र है वो ठीक से प्रज्वलित होंगे भीतर के और जितना आपको संगीत में गहराई पानी है चाहे वो सुनने की कला हो सुनने की कला हो केवल आप समझ लो कि गाते नहीं हो खाली सुनते हो फिर भी अगर ठीक से आप संगीत को सुनना शुरू करोगे शास्त्रीय संगीत है भारत का उत्तर भारतीय है या दक्षिण भारतीय या नृत्य में रस लेते जाओगे आपकी रीड अपने आप ऑक्सीजिनेटेड होने लगेगी अपने आप ऑक्सीजनेटेड हो रीड अगर आप डिली करके बैठते हो तो इसका अर्थ है आपकी रीढ़ बीमार है आपके शरीर में बीमारी होगी अगर आप ठीक से देखोगे तो सुबह में आप बगासा ज्यादा खाओगे आपकी रीढ़ बीमार है तो आपके आंत से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलना चाहिए वो निकलता नहीं है वो आंत में ही रहता है उसको फेफड़े खींच नहीं सकते कार्बन डाइऑक्साइड को खींच नहीं सकते ठीक से वायु बढ़ जाता है पेट का तो बगा से पर बगा से जमाई शब्द में यूज नहीं करूंगा बगासाई क्योंकि गुजरात में जो लड़की का वर होता है उसे लड़की वाले जमाई कहते हैं तो हम जमाई नहीं कहेंगे बगासा कहेंगे तो सुबह में आप इतना समझो कि अगर सुबह में आपको आड़स हो रहा है जागने में आपकी निद्रा समाप्त गई लेकिन अभी भी आपको आड़स हो रहा है कि ना ना अभी सोए रहे पथारी में उसका इतना ही कारण है आपकी रीढ़ बीमार है रीड ठीक से ऑक्सीजनेटेड होनी चाहिए जब तक रीड आपकी ठीक से रेस्ट नहीं लेती तब तक आप सुबह में प्रसन्नता से नहीं जाग पाओगे जागना कंटाड़ा होगा क्यों? फिर सुबह होगी फिर काम करना पड़ा काम करना पड़ेगा ऐसा लगे तो खाली फिजिकल स्थिति में इतना समझो कि आपकी रीड बीमार है रीड में कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है जिसे फेंकना है और अब आप जानते हो कि किस तरह से फेंकना है जो योग्य आपको हर तरफ हर तरह की एक्सरसाइज में दिखा दूंगा हर तरह की हर तरह की रेचन प्रक्रियाओं से इस यूनिवर्सिटी में आने वाला विद्यार्थी परिचित ही होना चाहिए आप कहीं भी जाओ किसे भी सिखा सकोगे इस तरह से सुबह होनी चाहिए सुबह में जिस तरह से हम स्नान करते हैं शरीर का वो बाहर का स्नान है भीतर का स्नान किस तरह से करना है उसकी जितनी भी प्रक्रिया है धीरे 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 मैं आपके सामने खोलता जाऊंगा तो ये उद्देश्य था नृत्य कला को धर्म के साथ जोड़ने का अब मेरे साथ जो घटना हुई वो भी वही हुई कि एकदम भीतर से स्पष्टता आ गई कि बस अब मुझे नौकरी में नहीं रहना है मुझे कुछ आगे काम करना है मैं देखू कि ना मैंने शादी की है ना मेरा कोई बच्चा ना कोई गर्लफ्रेंड फिर मैं क्यों बंधा रहूं मैं देखू सारे के सारे ऑफिसर ना मुझे कोई प्रमोशन में रस ना पैसा में रस कि में, मुझे ज्यादा पैसा मिल जाए हा पैसा में रस था तो वो इसलिए था कि वीडियो कंपोजिशन करने या घर में बैठकर मेरा इंटीरियर डेकोरेशन करना था अपने लिए या चित्र बनाने के लिए रंग लेने थे यही तो उद्देश्य था तो मुझे लगता था कि ये जिसने सांकड़ बांध ली है वो भी वहीं रहे और जिसने सांकड़ नहीं बांधी है वो भी वहीं रहे ना मुझे ऑफिस से तो निकलना ही और मैं भीतर की स्पष्टता की राह दिख रहा था और मैं ये बात कहूं समझ लो कि आज मेरा काम यहां भी आप देखना जिस दिन मेरा इस जगह पर काम पूरा हो जाएगा हो ही जाएगा जिस तरह से मेरा भविष्य का दर्शन है आप देखना मुझे कैसी तक आ जाती है आगे बढ़ने के लिए अपने आप वो संदेश मैं तुम्हें दे रहा हूं कि जो मेरे साथ हुआ वही हुआ मुझे भीतर से सारी बात स्पष्ट आने लगी कि मैं तो लड़कों के एजुकेशन में भी काम कर सकता हूं अभी अभी तो मुझे सारा और मेरे साथ मेरी मां भी थी भाई भी था तो मुझे लगता था कि अभी मुझे डायरेक्ट छोड़ के जाने की जरूरत नहीं पहले तो मैं जो संसारिक भाग है और मेरा एजुकेशन से बहुत लगाव था और मुझे ऐसा था कि फिर दूसरा जन्म लेना फिर से जन्म लेके फिर मुझे क्या काम करना है मैं आके मुझे पूछूंगा कि चलो अब किस काम के लिए तूने जन्म लिया तो आएगा या तो एजुकेशन या धर्म में कुछ काम करना तो कर ही लो इसके लिए अगर दूसरा जन्म क्यों जो मुझे आइडिया इस जन्म में आ रहा है पूरा कर लो तुम भी पूरा कर लो रिदम में गलू को जितना आइडिया आ रहा है आ ही रहा है सब पूरा ही कर लो कि इस इस तरह से डोलक को बजाया जाता है जितने इंस्ट्रु... और रहस्य जितना आप डोलक बजाते जाओ बजाते जाओ और नए नए इंस्ट्रूमेंट हर दिशाओं से आते जाए तुम्हें तो जो मेरे भीतर गट रहा था वो ये गट रहा था कि ना मुझे इस एक्सपेरिमेंट में मेरी मां को भी डालना है इसमें क्योंकि वो भी मुझे इतना ही प्रेम करती थी और भाई को भी डालना है मैंने देख लिया कि भाई को भी नौकरी में उतना रस नहीं था हम दोनों गिनते ही रहते थे कि कितना रुपया हमारे पास हुआ चलो जो जो हमारे एडवांस हमने लिए है लोन ली है लाइट बिल भरना है करियाणा भरना है उसका हम हिसाब करते थे कि हाँ इतना रुपया में हमारा घर चल जाएगा ये महीना हम चला सकते बाकी की पंद्रह दिन छुट्टी <laughs> यही गिनती चलती रहे मैं तो ओ, ये मुझे अच्छा ही नहीं लगता सुबह में पहले तो मुझे जान अपना स्थान छोड़ना ही अच्छा नहीं लगता मुझे घर पे इतना नया नया आइडिया है आज रूम को मैं चंद्र में से माल को बदल ऐसा रूम का वातावरण आज मधुमा सारंग जैसा वातावरण होना चाहिए नया नया आइडिया और ऑफिस जाना पड़े इतना शुष्क काम इतना शुष्क और जो असिस्टेंट मुझे काम में देखो सचिवालय का मैं जो काम का दर्शन करूं मुझे किसी से काम करवाना ही अच्छा ना लगे मुझे तो ऐसा लगे कि मनुष्य का जन्म काम करने के लिए हुआ ही नहीं मैं भीतर से ऐसा देखूं क्योंकि कोई तैयार ही नहीं काम करने के लिए मैं देखू कि चलो मैं नहीं काम करने के लिए तैयार मुझे तो जाना है छोड़ना इन लोगों को तो यहां ही रहना है और पेंशन खाना है फिर भी मैं देखू तो कोई रस्सी नहीं तो मुझे लगता था कि ना ये ठीक है मेरे अनुभव के लिए मैं यहां आ गया लेकिन मुझे ऐसा जीवन ना चाहिए मुझे ऐसा जीवन चाहिए कि जहां मैं, मुझे जाना है काम करना है उत्साह आना चाहिए उत्साह कि कब सुबह पढ़े और मैं मेरा काम शुरू कर दूँ समझ लो कि मुझे जब चित्र आते थे मैं रात भर सो ना पाऊं मैं तुम्हें कहूं कि मैं रात भर ऐसे ऐसे आइडिया है कि मैं इस तरह से बनाऊ मुझे एक तकलीफ क्या थी कि आंख जो आर्टिफिशियल लाइट है उसमें काम कर नहीं सकती थी तो समझ लो कि आइडिया है चित्र का कि इस तरह से करना है काम या इंटीरियर डेकोरेशन में इस तरह से अरेंज करना है रूम को लेकिन आर्टिफिशियल लाइट मुझे शरीर बीमार हो जाए या आंख की तकलीफ हो जाए तो मैं सुबह की राह देखूं लेकिन इतनी तड़प लगे कि कब सूरज की प्रथम किरण आए थोड़ा सा अजवास चालू हो और मैं मेरा काम शुरू कर दूं इतना मुझे रस था एजुकेशन में ऐसा ही रस था मुझे तो मुझे लगता था कि धर्म की आगे की प्रक्रियाओं में जो मुझे रस है उसमें भी काम करने के लिए पहले मुझे इसमें से तो निकलना ही पड़ेगा और मैं माँ और भाई को भी इस रिस्क में ले ही जाऊं जब इतने वो लोग मुझसे जुड़े हैं तो जीवन का जो रिस्क है असलामती डर लगता है मैं सरकार में आया तो सब कहते अब तुम सरकार के जमाइ मतलब काम करो कि ना करो सरकार तुम्हें पैसा तो देती रहेगी पगार तो मिलता ही रहेगा क्योंकि मैंने कितनी रजा ली मैं एलडब्ल्यूपी पी लिखू लिव विदाउट पे, लेकिन परमात्मा का मेरे पर साथ, जब तक मैं नौकरी में रहा मेरी एक भी एलडब्ल्यूपी पी न हुई देखो मेरा सर कहता था तेरे पास है ही नहीं छुट्टी है ही नहीं मैं कहां से छुट्टी लाऊं मैंने कहा तो आपकी दे दो आप कहां यूज करते <laughs> लोग बचाते रहते थे छुट्टी को छुट्टी इकट्ठी करते थे उन, उनका एन, करते थे कि चलो इस रुपयों से छुट्टियों का रुपया मिल जाए मैंने कहा ना बापा ना रुपयों का इनकेसमेंट में छुट्टियों में कर दो मुझे मैं तो ऐसा मांगता हूं तुमसे लेकिन हुई नहीं कभी क्योंकि परमात्मा के परम हाथ रहते थे मेरे पर आज भी है तो पहले तो रहते ही होंगे <laughs> तो मैं उस निर्णय पर आ गया और जैसा ही उस निर्णय पर आया कि मेरी बहन ने मुझे आमंत्रण दिया मैंने कहा भी नहीं था मैं खाली इतना कहता था कि मैं निकल जाऊंगा नौकरी में नहीं रहूंगा पूरा जीवन नौकरी किसी के अंडर में अंडर सेक्रेटरियों की मैं मजाक भी करता था मैंने कर... मैं कहता था उन लोगों को कि अंडरवेयर तो पहनने के भी काम आता है और फिर मैं अध्यार छोड़ देता था और अगर बनना है तो सेक्रेटरी बन जाओ सेक्रेटरी के अंडर में क्यों पूरा जीवन ये तो मुझे अच्छा ना लगे अभिमान और देखो आपकी मैं नहीं था लायक उसमें ऐसे ही मुझे सियासन मिल जाने वाला था तो मैं क्यों सेक्रेटरी के अंडर में <laughs> मेरी बहन ने मुझे आमंत्रण दिया कि तुझे जाना ही है जिस तरह से मेरे भाई ने मुझे कहा कि तुझे छोड़ना ही है तो तू एक बार तो रह ले मेरे साथ फिर तुझे जैसे मैं फकीरा को कहता हूं कि तुझे जाना है कौन रोकता है लेकिन तू मैं हूं अभी मैं शरीर में हूं तब तक तू मेरे साथ भी जी ले थोड़ा फिर तुझे लगे तू तु चले जाना इस तरह से मेरी बहन ने कहा कि तू कर ही ले ट्यूशन का वर्क और गांधीनगर मैंने छोड़ा उससे पहले एक रचना मेरे हाथ में आई रचना इस तरह से थी <clears throat> मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे ये रचना जब पहली बार मैंने सुनी उसका राग तो बहुत सुंदर साग मध निसा सा नी सा <coughs> उत्तर भारत में मालकोंस कहा जाता है और कनकरणा बेनर्जी इसकी गायिका थी बहुत मीठी सुरीली आवाज उसकी और उसने बहुत भाव से ये रचना गाई वो रचना मेरे हाथ में आई अब जब मैं छोटा था बहुत छोटा और जब से मैं क्लासिकल राग के संपर्क में आया तब से मेरे भीतर एक अंदर चलता ही रहे और जब से मैं फिल्म देखने लगा मुझे ऐसा ही लगे कि राग को फिल्म में नहीं डाला जा सकता उसका फिल्मीकरण नहीं किया जा सकता उसका ऐसा जिस तरह से गीत होता है उस तरह से पूरा इतना सुंदर राग होता है उस बहुत वैज्ञानिक बात है कि राग आप ठीक से जैसे परिचित होते जाओगे संगीत से आपको पता चलेगा कि कितनी सुंदर बात है कि जब राग आलाप से प्रारंभ होता है आलाप से और पूरा माहौल है जो वातावरण का वो स्वर से बदला जा सकता है आलाप बदल देता है वातावरण पूरा फिर उसकी कविता होती है उसके साथ ताल जुड़ता है पहले ताल नहीं जुड़ता खाली क्लासिकल भारतीय क्लासिकल संगीत है वो पहले आलाप है अलग अलग तरह से स्वरों को जोड़ा जाता है एक राग के अलग अलग स्वरों से कि संगीतकार की कितनी क्षमता है और जिसे ये रस आ जाता है वो एकांत में बैठ के आप जब आलाप करोगे आपको पता चलता है कि कितना कितनी गहराई में ले जाता है आलाप भीतर की गहराई में लेता ले ले जाता है ऐसा होता है कि पूरा माइंड की जो शक्ति होती है विचारों की शक्ति होती है भाव की शक्ति होती है वो पूरी की पूरी आलाप में बदलती जाती है धीरे 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 आलाप में बदलती जाती है उसके बाद रिदम शुरू होता है और अंत में ऐसी रचना की जमावट होती है कि पूरा रिदम एक मस्ती में ले आता है इस तरह से अंत में मस्ती आ जाती है रचना में तो मैं छोटा था और जब से राग के संपर्क में आया मुझे एक भीतर से बात ये रहती थी कि राग का फिल्मीकरण राग का अगर ठीक से फिल्मीकरण किया जाए कोई एक राग है समझ लो कि मालकों की एक रचना है उसको अगर हम वीडियो कंपोजिशन ठीक से किया जाए तो देखने वाला जो है उसकी शक्ति अंतर्मुख हो सकती है मैं फिल्म में ऐसा भीतर से जो मुझे आइडिया आते थे वो इस तरह से आइडिया आते थे कि जिस तरह से फिल्म खींच लेती है तुम्हारी शक्ति फिल्म क्या करती है तुम्हारी शक्ति खींच लेती है तुम्हारे में कचरा भर जाता है जब तुम फिल्म फिल्म पूरी करते हो हो थक थक जाते जाते देख के थक जाते हैं। क्योंकि मैंने बहुत फिल्म देखी बहुत सी फिल्में देखी फिल्म में मैंने बहुत अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए समय पर मैं बताऊंगा आपको तो मैं ऐसा आइडिया आता था मेरे भीतर कि इस तरह से कंपोजिशन किया जाए फिल्म का जो पिस्तालीस मिनट या एक घंटे से ज्यादा ना हो और एकदम क्योंकि फिल्म का मेन उद्देश्य दर्शक को आकर्षित करना नहीं है दर्शक को आकर्षित करना नहीं है। जैसे कि फिल्म है हमारी जो मार्केट में चलती है फिल्म उसमें क्या करते हैं दर्शक को आकर्षित करना है किसी भी तरह से दर्शक का जो रस है भीतर का जो पड़ा हुआ भीतर का आंतरिक रस है उसको इस तरह से एक्साइट करना है उत्तेजित करना है ताकि वो थोड़ी क्षण के लिए मजा ले सके लेकिन बाद में जैसे दारू का नशा उतर जाता है इस तरह से अगर आप फिल्म देख के बाहर निकलोगे थिएटर से तो शरीर थक जाएगा मांदा हो जाएगा गए थे तब खूब थे गए थे बाहर निकलेंगे तब मादे हो जाएंगे तो मैं ऐसा भीतर से आइडिया था, था कि इस तरह का कंपोजिशन हो राग का कि देखने वाला को एक विधात्मक प्रेरणा मिल सकती है फिल्म से ऐसा मुझे भीतर से आइडिया आता था क्योंकि उसमें दोनों है देख भी सकते हो सुन भी सकते हो आप तो जब मैंने ये राग सुना उस वक्त मेरा वीडियो कंपोजिशन फिल्म नृत्य का चल ही रहा था तो मुझे लगा कि यह वीडियो कंपोजिशन कोई बड़ी बात नहीं यह किया जा सकता है लेकिन यह मैं कविता देखू कि मंदिर देख डरे सुदामा एक तो पहले मुझे यह लगे कि मंदिर उसको देख के सुदामा डर गए मंदिर देख के तो डर चला जाता है और मंदिर देख के सुदामा डर गए लेकिन धीरे धीरे मुझे पूरी बात स्पष्ट हो गई इस तरह से कृष्ण सुदामा दोनों मित्र थे जब वो छोटे थे दोनों एक ही गुरु के पास अभ्यास करते थे लकड़ियां काटने भी दोनों साथ में जाते थे और श्लोक भी साथ में रटते थे अभ्यास भी गुरु का साथ में ही करते थे सेवा भी साथ में ही करते थे दोनों इस तरह से दोनों बचपन में जुड़े हुए मित्र थे बाद में दोनों अपने अपने रास्ते पर चले गए जब कृष्ण अपना पूरा काम करके द्वारिका लौटे और द्वारिका के राजा हो गए तब सुदामा ब्राह्मीण थे और ब्राह्मीण के साथ गरीबाई को जोड़ना बहुत मैंने जितनी कहानियां पढ़ी आज तक या सुनी उसमें ब्राह्मीण गरीबी होता है क्योंकि काम का आलस होता है काम करना अच्छा नहीं लगता उसे ब्राह्मीण है ब्रह्म का जानने वाला तो गरीब थे सुदामा गरीब थे और पत्नी ने उसे सुझाव दिया कि आपका मित्र ही आ गया द्वारका में और ऐसा वैसा मित्र नहीं है राजा कृष्ण का नाम था तो उसने कहा आप एक बार जाओ तो सही उसके पास तो हमारी यह गरीबाई दूर हो कुछ मिल जाएगा राजा है तुम्हें काम मिल जाएगा या कुछ मिल जाएगा रुपया पैसा मिल जाएगा इतना राजा है और तेरा मित्र है आप जाओ सुदामा जाते कृष्ण के पास और साथ में क्या ले जाते हैं पवा हिंदी में क्या कहते हैं तंदुल के तांदुल के पवा ही कहते हैं बटेटा पवा का पवा बटेटा नहीं था उसमें खाली उस समय में बटेटा पावा की खुद इसलिए कृष्ण से हम ज्यादा नसीबदार है क्योंकि कृष्ण ने चाइनीज भी नहीं खाया था मैंने खाया उस समय में बटेटा पवा खोजा नहीं गया था खाली पवा था तो उसकी पत्नी ने कहा कि हमारे घर में तो राजा के पास जा रहे तो कुछ तो लेकर जाओ तुम्हारा मित्र भी है और राजा भी है तो उस समय में ऐसा एक लौकिक व्यवहार था कि राजा के पास जब दर्शन के लिए जाओ या मिलने के लिए जाओ छोटी मोटी भेंट जैसी क्षमता लेकर जाते थे तो सुदामा पवा लेकर चले गए कि चलो एक पोटली में पवा लेकर वो गए कृष्ण के पास और जब कृष्ण के पास कहानी ऐसा बताती है कि वो घबराते थे कि और सारे जो मिलने आए थे वो क्या क्या कीमती चीज लेकर आए थे कृष्ण के लिए और सुदामा अपनी पोटली संताड़ कर रखे छुपा के रखे कृष्ण ने कृष्ण तो ऐसे भी देख ही लेगा सरारती भी था उसने देख लिया हा सुदामा कुछ छुपा रहा उसने कहा इसमें क्या है कुछ नहीं कि नाना, कुछ तो होगा ही समझ लो तेरे लिए है तो भी तू मुझे ही दे दे इस तरह से कृष्ण ले, ले, ले ली, ली। और देखा तो कृष्ण को, तो को मानने वाले कहेंगे कृष्ण थोड़ा अकेला खाएगा प्रसाद है सबको बांट के खाओ तो सबको बांट के खा गए पां सुदामा को कहा कि अब रह जाओ मेरे यहां सुदामा रह गया भीतर से सुदामा को कि कृष्ण को मैं बताऊं कि मेरी ये स्थिति है मुझे कुछ चाहिए लेकिन कृष्ण के सामने उसकी जी भी न खुले ये मैं तुम्हें कह देता हूं जो कहानी घटी दोनों के बीच जो घटना घटी वो इस तरह से कि सुदामा बताना चाहता है पत्नी का शब्द याद आता है कि मैं कह दू कृष्ण से वो राह देखता रहे कि चलो कृष्ण आज नहीं मुझे कल कुछ देंगे परसों कुछ देंगे कुछ पूछेंगे कृष्ण पूछे ही नहीं कि तेरी स्थिति क्या है तू क्या कर रहा है कुछ पूछे ही नहीं दोनों मिले कृष्ण पुरानी पुरानी बातें करके पता है हम कैसे गुरु का मजाक उड़ाते थे सब उड़ाते <laughs> किस तरह से हम भाग जाते थे गुरु हमें काम सौंपते थे हम किस तरह से भाग जा... ऐसी 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 पुरानी बातों सुदामा को डाल दे फिर जाने के दिन आए सुदामा को लगा कि अब तू पत्नी भी राह देख रही होगी धीरे <clears throat> धीरे धीरे ऐसे दिन आ गए कि अब तो कृष्ण से वापिस लौटना पड़ेगा द्वारिका से जहां उसका घर था तो उसे लगा कि चलो अंत में कुछ दे देगा कृष्ण वो जान जाएगा जिस तरह से मैं इतना गरीब हूं गरीब। और वो भी ब्राह्मीण मैं ऑफिस में इस तरह से डराता था कोई भी मेरे सामने अगर कुछ लिखे मैं कहता हूं देखो ध्यान रखना मैं तो जाने वाला हूं लेकिन याद रखना मैं ब्राह्मीण भी हूं और भविष्य में कुछ रखने वाला नहीं सन्यासी भी अपने पास कुछ रखता नहीं सन्यासी भी हूं अगर मेरे सामने कुछ भी करोगे तो तुम दो दोष में पड़ोगे। ब्राह्मीण के लिए ब्राह्मीण को तुमने सताया दोष दोष नंबर दो सन्यासी को तुमने सताया और तुम तो संसारियों तुम्हें बच्चे चाहिए अच्छा घर चाहिए नौकरी में प्रमोशन चाहिए रुपयों में प्रमोशन चाहिए ऐसे ऐसे बहुत से उसे बता देता था फिर अगर आपको कार्यवाही करनी हो तो करो लेकिन मैं तुम्हें बता दू फिर तुम्हें ऐसा हो कि मैं जानता भी था तो पवा निकल रहे थे तो मैं जा रहा हूं तो कृष्ण इतना बड़ा राजमहल में इतनी रानियों के साथ रहता है और रानियां भी क्या करती है इतनी सारी सो सौ साड़ियां लेकर पड़ी है अपने अपने रूम में तो क्या मुझे कुछ नहीं देगा वो लेकिन कृष्ण ने कुछ भी न दिया <laughs> कृष्ण ने उसे ऐसे ही बाय बाय टाटा कर दिया <laughs> कहानी ऐसा बताती है कृष्ण ने कुछ और सच में कुछ भी वो भी मैं कह दे कुछ भी न दिया फिर कोई रुपया नहीं दिया कि जाओ पैलेस्टाइनिया का रुपया है इतना तू अहमदाबाद की टिकट ले ले और वापस एक दिन के लिए तुझे रजा दिए मैंने तो पैलेस्टाइन के रुपया से वापस आ जाना इस तरह से कृष्ण ने भी वही आइडिया खेला डिवाइन पॉलिटिक्स नहीं दिया कुछ क्योंकि सौ रुपया दो उसे तो वो तो भाग चाहे सौ रुपया में आराम से आप पहुंच सकते हो हिमालय और फकीरा नो मनी नो डेस्टिनेशन तो इसमें सौ रुपया तो बड़ी बात हो तो कृष्ण ने कुछ भी ना दिया सुदामा को अब कहानी ऐसा बताती है कि जब सुदामा वापिस आते कहानी आप बाहर से देखोगे तो ऐसी है तो वो पहचान न पाए अपनी झोंपड़ी को कि ये तुम्हें तो, तो ये यहां तो झोंपड़ी थी मेरी और राजमहल खड़ा हो गया वो देखे कि ना ये तो मेरा नहीं है राजमहल कहां से मेरी तो झोंपड़ी थी एक ही रूम की झोंपड़ी और लेकिन घटना ऐसी है झोंपड़ी झोंपड़ी रहती है कोई जादू नहीं होता था जादू ही होता तो कृष्ण युद्ध करवाते ही क्यों अगर आप कृष्ण को भगवान हम कहे परमात्मा कहे तो वो युद्ध रोक सकता था कोई बड़ी बात नहीं थी उसके लिए अगर युद्ध रोकना ही हो तो लेकिन ये सारी घटना इस तरह से नहीं है ये खाली ये घटना इसके लिए है जो धर्म को सीखने का प्रारंभ कर रहे जिस जिस तरह से हम क ख सीखते तो हम हमारी जो चौपड़ी होती है उसमें डायरेक्ट हम ग नहीं बोलते हम कहते हैं ग गधा का ग तो गधा ड्रॉ किया हुआ है कि हां ये ये गधेड़ा है उसे कहा जाता है गधेड़ा का ग, कलम का क खड़िए का ख इस तरह से तो प्रारंभ में हमारा लोभ होता है कि भक्ति करे परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो सुदामा की झोंपड़ी में से राजमय लोग ये हमारी सारी गुरुओं की चाल साजियां है वैसे तो फंसाने के लिए कि पहले ऐसी कहानियां डाल दो अंदर ताकि लोग इस तरह से धीरे 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 आगे बढ़ जाएंगे तो कहानी ऐसी है कि राजमहल देखते हैं सुदामा ना कोई राजमहल नहीं होता वही की वही जोंपड़ी। और मैं थोड़ा तुम्हें गहराई में ले जाऊंगा तो तुम भी पाओगे कि यह बात सच है क्योंकि मैंने भी पाई वही का वही रूम होता है दस बाय दस का लेकिन जब तुम तुम्हारे भीतर जाते हो गहराई में जाते हो और भीतर <coughs> परम अवकाश को छू लेते हो एक बार भीतर से परम अवकाश को छू लेते हो प्रसन्नता आ जाती है आनंद आ जाता है शांति आ जाती है वही दस बाय दस का रूम तुम्हें अद्भुत राजमहल क्या राजमहल में क्या तुम सुख तुम ऐसा समझते हो कि राजमहल में राजा सुखी है राजमहल में राजा सुखी होता तो भारत इतनी मेहनत ही नहीं करता धर्म में धर्म करे कौन महावीर क्यों छोड़ के बाहर जाए इतना सुंदर राजमहल बुद्ध क्यों छोड़ के चला जाए राजमहल वैसे जनक ठहरा रहा लेकिन वो भी मैं कहूं वो भी अष्टावक्र के कारण कि चलो राजमहल जब इतनी मेहनत से तुमने बनाया राजा हुए ऐसे छोड़कर भाग जाओगे अब थोड़ा मेहनत करो मैं तुम्हें और मार्ग दिखाता हूं राजमहल में भी जागा सकता है और राजमहल को छोड़ के भी जागा जा सकता है लेकिन राजमहल में सुख है तो साथ में दुख भी होगा जितना सुख इतना बड़ा दुख आप ऐसे समझो आप अगर आपको सुख चाहिए जीने के दो रास्ते हैं। अगर आपको सुख चाहिए तो दुख के लिए तैयार रहो अगर आपको दुख चाहिए ही नहीं तो सुख को छुना ही मत कोई मार्ग नहीं अगर आपको मिल जाए तो आप मुझे बता देना तो मैं लेक्चर में कह दूंगा मैं दो मार्ग जानता हूं जो मेरे पर मैंने काम किया तो जब आप भीतर से प्रसन्न हो जाते हो या ज्ञान प्राप्त हो जाता है ज्ञान का अर्थ है किताबों का श्लोक नहीं रटना है ज्ञान का अर्थ है जगह स्पेस दो विचार के बीच की जगह उसे ज्ञान समझो जैसे 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 बढ़ता जाता है दो विचारों के बीच का अंतर स्पेस प्रगट होती जाती है देखो कि यह बात सही है कि नहीं और जैसे 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 स्पेस बढ़ती जाती है स्पेस है क्या आत्मा जैसे जैसे आत्मा का प्रागट्य होता जाता है आप परम आनंद का स्वाद लेते जाते हो और जब परम आनंद का स्वाद आता जाता है यशु भी कहते यशु अपने शिष्यों को पूछते थे तुम मनुष्य हो तो वो कहते हाँ क्यों हम मनुष्य ही है में ना भी मिले लेकिन सब मिल सकते परम चेतनाओं को सब मिल सकते तुम्हारे में सच्चा हृदय चाहिए उन लोगों को मिलने के लिए तुम सब कुछ समझ सकते हो उसका कुछ बंद किया हुआ नहीं है कोई भी बुद्ध का कुछ भी बंद नहीं है पूरे वो तो रात देखते हैं कि कोई आए और लूटे हमें जाने वो पूछते पुछ, थे अपने शिष्यों से जो गहराई से उसके साथ जुड़ते थे उसको पूछते थे कि सच में तुम मनुष्य हो तो मैं तुम्हें कहता हूं कि रोटी तुम्हारी जरूरियात नहीं अगर तुम मनुष्य हो तो रोटी तुम्हारी ही नहीं रोटी पशुओं की जरूरत है ठीक से समझो खाना पीना पशु की जरूरत है क्योंकि अभी पेट में शक्ति है और पशु की शक्ति काम केंद्र और ना भी चक्र इससे ऊपर नहीं जाती वहां की वहां ही जाती है लेकिन मनुष्य जितनी ऊपर नहीं उठ सकती वो उधर की उधर ही घूमती रहती तो ऐसा पूछते थे कि तुम मनुष्य हो तो रोटी तुम्हारी जरूरिया नहीं तुम्हारी जरूरियात है परमात्मा परमात्मा का दर्शन जब तक तुम नहीं कर पाओगे उसे नहीं जान पाओगे तुम हजार रोटियां खाओ ठीक से देखो आप ये बात सही है कि और सत्य किसी भी समय में आप लोग शु ने आज से कितने सालों पहले सत्य कहा हो कृष्ण ने आज से कितने पहले कितने सालों पहले सत्य कहा हो सत्य सत्य ही रहता है देखना किसी भी रूप में सत्य को कहा गया हो कोई <clears throat> कबीर ने लौकिक भाषा में सत्य कहा हो या कृष्ण ने सुसंस्कृत भाषा में संस्कृत की वाणी में गीता कही हो लेकिन अर्थ एक ही होगा कुछ फर्क नहीं होगा <clears throat> तो यीशु का वचन देखो आज भी उतना ही सही होगा मनुष्य के लिए कि अगर तुम मनुष्य हो तो रोटी तुम्हारी जरूरत नहीं उसका अर्थ है रोटी से आगे बढ़ना है खाली पेट में नहीं रहना है खाली सैंडविच के स्वाद में नहीं रहना सैंडविच खाए जरूर लेकिन उससे आगे जाना है मनुष्य को उसमें ठहर नहीं जाना है तो जब भीतर का राजमहल तुम्हें दिख जाता है भीतर का ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो जाता है तो तुम कहीं भी जाओ तुम्हें वो परम प्रकाशित ही लगेगा वही झोपड़ी थी कि जब सुदामा छोड़ी थी सुदामा ने छोड़ी थी तो झोपड़ी थी अब वही झोंपड़ी में सुदामा जब आ रहे कृष्ण को मिलकर आ रहे तो वो ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि आप परम ज्ञानी के पास जाओ उसके साथ रहो और आप दरिद्र होकर निकलो कब भी हो नहीं सकता और सक्य घटना इस पृथ्वी की असक्य में से असक्य घटना है तो कोई परम ज्ञानी के प्यास आप जाओ और आप बिना सम्राट होके निकलो हो ही नहीं सकता आप सम्राट होके ही निकलोगे परम ज्ञान छुई लेगा आपको वो कुछ भी न करे तो भी प्रकाश है भीतर का आत्मा का प्रकाश है वो तुम्हें बदल ही देगा वो तुम्हें छू लेगा <clears throat> तो जब सुदामा वापिस लौटे उसने वो ही की वो ही झोंपड़ी लेकिन उसे दिखाई दी कि ना राजमहल हो गई <coughs> तो ये जो भाव है ये प्रार्थना है इसको शब्दों में इस तरह से डाला है मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर दे खरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर दे डरे सुदामा मंदिर देख डरे अब इस पे डर जो है ना डर वो भी बहुत गहराई की बात है <coughs> कि ये सुदामा ने जब दर्शन किया वही झोपड़ी का तो उसे लगा कि मैं जब गया था तब ये मेरे लिए झोपड़ी थी और आज जब मैं आ रहा हूं वापस बिना कुछ लिए कृष्ण से कोई वस्तु चीज वस्तु रुपया पैसा कुछ भी लेकर बिना लेके आया हूं फिर भी ये झोंपड़ी मुझे राजमहल दिखी राजमहल तो जो भीतर का मन है डर का इतना ही अर्थ है कि अभी पूरा आना एक मन है मन का अर्थ है अपेक्षा और जहां अपेक्षा है वहां डर होगा ही। जहां कुछ पाने की बात है वहां कुछ खोने का भय होगा ही। जहां भी आपको भय लगे अब ठीक से पीछा करो कि डर लगा तो उसके साथ किसका डर तो कुछ खोने का भय है तो साथ में एक अपेक्षा होगी कुछ पाने की आगे जाएं मेरे तो घर की टूटी जो पड़िया स्वरू पर चला गया <clears throat> मेरे तो घर की टूटी जो पड़िया मेरे तो घर की टूटी जो पड़िया कंचन महल खड़े सुदामा कंचन महल खड़े सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख, सुदा देख डरे अब जब मैं सुदामा का वर्णन कर रहा हूं तो मेरा भी प्रयोग में कही दू मैं जब नखत्राणा में था उस समय मेरे पास पंखा नहीं था और उनाडा की गर्मी और वो भी कच्छ और पास में काली रेत वाला डूंगर एक नहीं डूंगरों से गिरा मेरा घर था पर्वत के अंदर में रहता था जैसे फिल्म में होता है पर्वत के पीछे चंबेला गांव, गांव गांव में मैं रहता था और उस कॉलोनी में बाप रे बाप गर्मी इतनी गर्मी में आपको मेरी मां भी मेरे साथ थी मैं आपको गर्मी का उदाहरण दू ऐसी लू आए मैं उसकी साड़ी मैं ऐसा प्रयोग करता था पानी में जबोड़ के बोड़ के उसको बारी पे सुखाऊं हवा आए तो थोड़ी सी ठंडक आए लेकिन पांच मिनट में साड़ी सूख जाए इतनी पांच मिनट भी नहीं होती होगी मैं डोल उधर ही रखू फिर से साड़ी को अंदर डालू फिर उसको सुखाऊ इस तरह से अब उसमें मुझे एक और आइडिया है कि मैं ही था तो कुछ काम के लिए बाहर भी निकलना पड़ता था कई बार तो मैं देखता था कि जब बाहर तड़का में मैं और कई बार ऐसा होता था कि स्कूल में से मुझे चलकर आना पड़े कुछ हमारी स्कूल बहुत दूर थी पांच किलोमीटर दूर मेरी घर से स्कूल और रिक्शा भी डायरेक्ट ना मिले या कुछ कई बार तो कोई व्हीकल ही ना मिले और ऐसा हो कि स्कूल छुट्टी हो शाम का समय हो तो अभी संध्या भी ढल जाती है लेकिन मैं भाग के आता था तो शिक्षा भी मुझे भोगनी पड़ती है ना जब तुम कुछ पाप करते हो तो साथ में उसकी शिक्षा होती है तो मैं दोपहर को स्कूल छोड़ के भाग के आ, आता हूं और चल के आया हूं पांच किलोमीटर तड़का में और जब मैं घर में एंटर हूं सही बात होती कि मंदिर ही लगे वही गर्मी लेकिन मैं जब बाहर से आऊं इतनी गर्मी सहन करके जब मैं घुसू घर में तो जब मैं पूरा वक्त घर में गुजारता था तो मुझे लगे कितनी गर्मी है कितनी गर्मी है मन फरियाद करे और जब मैं बाहर से पांच किलोमीटर चलकर दो बजे की धूप में जब मैं आऊं और घर में घुसू तो मुझे लगे वाह वाह क्या शांति है घर में पर्दे डाले हुए पंखा नहीं घर में फिर भी ऐसा लगे कि आह कितनी शांति है घर में ठंडी में भी ऐसा मैंने प्रयोग किया कि समझ लो कि ऐसी ठंडी लग रही है ठंडी ठंडी बहुत लग रही है सब ने किए होंगे सुबह में ठंडे पानी से नहा लो आप ठंडा पानी एक बार डाल दो आप जो ठंडी थी उससे भी ज्यादा ठंडी आप भोग लो <coughs> या चले जाओ आप एक अराउंड के लिए और फिर अपने रूम में आप एंटर हो तो एक <coughs> साल से आपको लगेगा कि नाना बहुत हो गया गर्मी आ गई <coughs> तो दुख है अगर महादुख को आप <coughs> सहन कर लो उसमें से पसार होके जब आप वापिस लौटते हो तो आपका दुख आपको कुछ नहीं लगता <coughs> मेरे तो घर में दी न बाती मेरे तो घर में दी न बाती जगमग जोत चले सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख देखो वर्णन के शब्दों में कितना जोर होता है विकला रोज साल उठ के बैठता है जैसे ही मैंने वर्णन किया उसने साल निकाल दी देखो <coughs> मेरे तो घर में दिया ना बाती <coughs> अब देखो परमा पहले मुझे ऐसा लगता था कि परमात्मा को कम से कम एक कार्ड तो भेजना था सातमा के हम जीवन जिए कैसे इतना क्या लोभ इतना बड़ा परमात्मा एक हम मनुष्य से है मनुष्य से परमात्मा से छोटे हैं हम हम हमारे इंस्ट्रूमेंट में भी कार्ड डाल देते हैं कि इस तरह से कंप्यूटर यूज करो तो इतना बड़ा शरीर मन और बिना कोई मार्गदर्शन के भेज देता है लेकिन जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ने लगी परमात्मा कितना सौंदर्य का ज्ञान है उसके पास कोई दिए बत्ते की जरूरत ही नहीं मैं तुम्हें मेरे जीवन से कहता हूं जैसे जैसे तुम तुम्हारे भीतर डूबते जाते हो तुम्हें लाइट अच्छी ही नहीं लगती देखना तुम एक बार जो प्राकृतिक लाइट है प्राकृतिक प्रकृति जो प्रकाश फेंकती है जैसे तारों का प्रकाश है सूर्य का प्रकाश है चंद्र का रात की बात करें तो तारों का प्रकाश चंद्र का प्रकाश है आप समझो काली से काली रात हो काली से काली रात आप देखना जिसे आप कहते हो अमावस या काली चौदस जिसके साथ भूत प्रेतों को जोड़ा गया ऐसी रातों में भी आप ठीक से देखना प्रकाश है ही अब जब बाहर प्रकाश है तो जब आप भीतर मुड़ोगे आप देखोगे कि भीतर भी प्रकाश है आप कहते हो हम आंख बंद करते हमें कुछ नहीं दिखता ठीक से देखो आप अपनी बात लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम ध्यान कर बैठते हैं आंख बंद करते हैं लेकिन भीतर कुछ दिखता ही नहीं देखो वो भी देखना है ठीक से देखो तुम कहते हो कि तुम्हें कुछ नहीं दिखता भीतर वो घटना क्या है चलो तुम्हें अगर कुछ नहीं दिखता तो वो तुम्हें कैसे पता चला कि तुम्हें कुछ नहीं दिखता तो तुम्हें कुछ दिखता है भीतर यह आत्मा का बहुत सूक्ष्म प्रकाश है तुमने जाना नहीं है इसीलिए मुझे यह उदाहरण देना पड़ता है कि और मैं ऐसा नहीं कहता कि तुमने जाना नहीं तुम जैसे जैसे जानते जाओगे यह सूक्ष्म प्रकाश देखो देखो किस तरह से तुम्हें आगे परम प्रकाश से हम जुड़ते जाते हैं कैसे खींचता जाता है ये प्रकाश और जैसे जैसे तुम ये बहुत सहज अनुभव थे बहुत सहज अनुभव जैसे 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 तुम तुम्हारे भीतर डूबते जाते हो तुम्हें आर्टिफिशियल लाइट अच्छी लगेगी नहीं देखना ये बात ऐसे ही दियो का प्रकाश नहीं दिया गया मनुष्य को और दिया का प्रकाश से भी आगे की घटना है वो है नेचुरल लाइट और वो नसीबदार से नसीबदार है इस पृथ्वी पर चलो मैं कहता हूं जिसे प्राकृतिक प्रकाश प्राप्त हो गया या प्राकृतिक वातावरण मिल गया जीने के लिए खोना ही मत एक एक क्षण का उपयोग कर लेना एक एक क्षण का स्वाद ले लेना कि जब तुम इतने नसीबदारों को मिलता है ये प्रकाश और जब तुम प्राकृतिक प्रकाश को जानने लगोगे उसका स्वाद लेने लगोगे भीतर के आत्मा का प्रकाश जानने लगोगे महाज्योति जब तुम भीतर देख लोगे बाहर की जगमग ज्योति कुछ रहेगी नहीं चाहे तुम्हारे पास तेल हो ट्रस्टी या हेमंत मुझे तेल ला दे कपाशिए का या ना ला दे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे तो घर में मेरे पास दोनों है दिया भी है बाती भी है तुम्हारे पास भी मेरे तो घर में दियान बाती जगमग जोत जले सुदामा जगमग जोत जले सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा सुदा देख डरे मेरे तो घर में दा नदुनगर मेरे तो तु गर् मे दानगर मोतियन् थाल भरे सुदामा मोति थाल भरे सुदामा मंदिर देख डरे मेरे तो घर में दाना ना दुनगर गरीबी का वर्णन है गरीबी मन से संबंधित है आत्मा से नहीं समझना आत्मा सदा परम समृद्ध कभी भी आत्मा गरीब नहीं हो सकता आत्मवान व्यक्ति कभी दरिद्र हो ही नहीं सकती और जिसके पास आत्मा नहीं है वो भिखारी ही होगा चाहे वो राजमहल में रहे चाहे वो बंगलों में रहे कितनी धन संपत्तियों के बीच रहे फिर भी वो दरिद्र ही होगा उसका कारण है मन सदा दरिद्र मन का अर्थ है मांग जो है उसमें मुझे संतोष नहीं है कुछ और चाहिए मतलब दुख तुम कहते हो कि मुझे कुछ और चाहिए ये नहीं इससे कुछ और चाहिए मतलब दुख और वो दरिद्र ही होगा और आत्मवान व्यक्ति सदा समृद्ध ही होगा चाहे उसके पास तुम्हें समृद्धि देखने को मिले ना मिले लेकिन एक बात याद रखना ज्ञानी पुरुष की समृद्धि बहुत सूक्ष्म होती है उसे भौतिक समृद्धि से मत तोलना अगर कोई ज्ञानी पुरुष तुम्हें बिना समृद्धि वाला जिस समृद्धि से तुम परिचित हो बंगला घाटी या जो भी भौतिक समृद्धि से तुम परिचित हो ऐसी कोई भी समृद्धि उसके पास न हो फिर भी शांति रखना एक घंटा उसके पास बैठ जाना शांत तुम्हें पता चलेगा कि उसके पास जो समृद्धि है वो तुम कहीं देखने को नहीं मिलेगी उसके पास जो शांति है उसके पास जो आनंद है उसके पास जो उल्लास है प्रसन्नता है प्रेम है उसकी जो बरसात है प्रेम की बरसात है शांति की बरसात ऐसी शांति तुम्हें कोई <Cemak> जिसने आत्मा नहीं जानी उसके पास तुम ऐसा अनुभव नहीं कर सकते तो ये सूत्र स्मरण में रखना आत्मा कभी भी दरिद्र हो ही नहीं सकता और मन कभी समृद्ध नहीं हो सकता आत्मा कभी दरिद्र नहीं हो सकता मन कभी समृद्ध नहीं हो सकता जैसे जैसे आप में आत्मा आपको छूने लगती है प्रकट होने लगती है आपके भीतर वैसे वैसे आप पाओगे समृद्धि भीतर है समृद्धि बाहर नहीं समृद्धि अपने भीतर है समृद्धि का अनुभव हमारे भीतर है <coughs> आप जरा देखना मैं उदाहरण दू आपका मूड अगर प्रसन्न है आप आनंद में हो मौज मस्ती में हो वही का वही वातावरण आपको आनंद उल्लासित कर देगा कोई फरियाद नहीं रहेगी वातावरण के प्रति और आप भीतर से डल हो रात्रि का भोजन ज्यादा हो गया है क्योंकि मैं जब डलने कहूंगा तब यह बात जोड़ूंगा कि पेट खराब है जब तुम्हें भीतर समृद्धि का अनुभव नहीं हो रहा है तो ऐसा दूर जाने की जरूरत नहीं है तुम्हारा पेट गड़बड़ है और जब पेट आता है तो सन्यासियों को पता होना चाहिए कि पेट के साथ क्या क्या जुड़ता है पेट के साथ जुड़ती है एसिडिटी कॉन्स्टिपेशन डायरिया लूजमेसन ये सारे जुड़ते हैं पेट के साथ और इससे ऊपर जाना है मतलब हृदय में जाना है और जब तक पेट गड़बड़ है हृदय गड़बड़ी होगा तो हृदय से भी ऊपर जाना है कंठ चक्र में अगर पेट गड़बड़ है हृदय चक्र गड़बड़ है तो कंठ में कफ होगा ही आप गा नहीं सकोगे गाना चाहोगे खोखारा आएगा भीतर समझ लो नहीं है पेट साफ तो पेट साफ नहीं है तो तो हो सकता है कि सुदामा जब गए हो तो पेट गड़बड़ कृष्ण ने बताया हो कि थोड़ा रेचन करो एक्सरसाइज करो तो तुम्हें वही झोंपड़ी देखो कैसी लगती और कृष्ण ने वो भी बताया होगा रानियों को देखो आप क्या क्या खा जाती है वो साधना ज्यादा करती है तो भूख भी ज्यादा लगती है तो ज्यादा खा जाते हैं और कॉम्बिनेशन अब उस वक्त का कॉम्बिनेशन लाडू के साथ दाल खा जाते हैं दाल के साथ भात खा जाते हैं भात के साथ रोटी ऐसा जो भी गड़बड़ गड़बड़ खा जाते इतने खुराक की जरूरत है ही नहीं पेट को ठीक से जब हम हमारी बॉडी लैंग्वेज सुनने लगते हैं पेट को सुनने लगते हैं कि क्या चाहिए तुझे वो इतना ही कहता मुझे एक रोटी बहुत एक रोटी से ज्यादा मिलता है देखो आप एक रोटी से ज्यादा जो मिलता है वो विलास निद्रा से आप देखो कितनी निद्रा चाहिए तुम्हें निद्रा के ऊपर आंख ले जाओ चलो कितनी निद्रा है तुम्हारे पास घंटे गिनो दोपहर को दो घंटे चाहिए तीन घंटे चाहिए रात को आठ घंटे चाहिए साथ में खोराक देखो कितना चाहिए इस तरह से अभ्यास करते जाओ मैं ऐसा नहीं कहता कि आज से ही उपवास शुरू कर दो मैं ऐसा नहीं कहता लेकिन जैसे 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 तुम्हें आत्मा का स्वाद आने लगता है अपने आप गिर जाता है भोजन अपने आप गिरने लगता है क्योंकि भीतर प्रसन्नता ही इतने छूने लगती है आनंदी इतना छूने लगता है शांति ऐसी छूने लगती है ऐसे रहस्य का अनुभव होने लगता है भीतर कि बाहर से कुछ कूड़ा करकट डालने की इच्छा ही नहीं होती और अगर इच्छा होती है तो समझो कि अभी नहीं हुआ अच्छा अनुभव अभी भीतर वही गड़बड़ गड़बड़ बात चल रही है तो ऐसा लगता है चलो बाहर से कुछ स्वाद ले ले भीतर इतना बेस्वाद है सारा जगत तो सारा जीवन क्या इसके लिए थोड़ा मिला है बाहर से थोड़ा चटनी का स्वाद ले लेकिन जैसे जैसे हम भीतर उतरने लगते हैं तो आप पाओगे कि इतनी जरूरियात नहीं है मेरे और ईसु का एक मैं और वचन कहूं ईसु अपने शिष्यों से कहते थे धर्म तुम्हें लग्जरी देगा यह बात को चकासना तुम ठीक से तरासना खोजना कि यह बात ठीक है कि नहीं सूत्र ठीक है कि मैं फिर से कह दू उसकी बात और एस, ये तो परम सत्य ऐसा नहीं कि ने कहा से आगे भी कहा गया और वो सदा कहा जाएगा जब तक ये चलता ये तो चलता है प्राप्त करने आगे भी परमात्मा को चिंता है हमें क्या चिंता जिस तरह से सरकार ने विकले को पास कर दिया एक में से दूसरे में इसको आगे ले जाओ दसवीं तक जो विखला पास होता गया वो सरकार के कारण परमात्मा तो अगर विकले को दसवें तक पहुंचा दिया जाएगा तो हमको परम ज्ञान तक परमात्मा नहीं पहुंचाए जरूर पहुंचाए अपने शिष्यों से कहते थे कि धर्म तुम्हें लग्जरी देगा समझना ये बात धर्म तुम्हें लग्जरी ही देगा अब जागना है कि सोना है ये तुम्हारे हाथ की बात है चाहो तो जाग जाओ चाहो तो फिर से जो जाओ फिर से सो जाओ अगर मेरे साथ तुम्हें सुख मेरे मेरे होते हुए तुम्हें रास्ता नहीं मिल रहा ऐसा तुम्हें लग रहा है तो ठीक है तुम्हारी मर्जी तुम सो जाओ आगे को, कोई और आएगा वो तुम्हें जगाएगा लेकिन जागना पड़ेगा ये भी बात है तुम जागना टालो कोई बात एक बुद्ध को टाल दो उसकी बात ना मानो उसे कोई उतावर नहीं कि मेरे पीछे वो आ ही रहा है उसे पता है कि वो मुझसे ज्यादा एक्सरसाइज करवाएगा तुम्हें कोई बात नहीं स्कूल उसके, उसके उसके में दाखिल हो जाना उसकी यूनिवर्सिटी में चले जाना <coughs> लेकिन सूत्र समझना वो कहते थे धर्म तुम्हें सदा लग्जरी देगा ठीक से ये बात समझना ये कोई <coughs> प्रलोभन नहीं लेकिन होता ही है क्योंकि जैसे जैसे तुम धर्म में उतरते जाते हो। स्पेस बनती जाती है भीतर इसका विज्ञान ये है जैसे 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 भीतर स्पेस बनती जाती है सनातन सत्य यह है इस जगत का कि वो जगह खाली छोड़ने ही नहीं देता अपने आप अपने आप समृद्धि खींचती जाती है खींचती जाती है उसके पास अपने आप खींचती है वो कुछ भी ना करे इसलिए जो भारत में एक सिंबल दिया गया विष्णु और लक्ष्मी का वह इसी तरह से विष्णु शेष शयन में स्थित इतना बड़ा संसार सारी भाग दौड़ मची हुई है भाग दौड़ आप विष्णु को मानते हो विष्णु का दर्शन करने जाते हो मैं जब विष्णु मंदिर जाता था मैं देखता था दंपति क्या दर्शन करता है विष्णु के पास भी वो ही मांग देखते नहीं क्या सिंबल है आराम से पड़े शेष नाग सात फैलो वाला नाग में आराम से पड़े लक्ष्मी उसके पैर दबा रहे और यहां तो हम मर जाते हैं जन्म जन्म लेकर मर जाते लक्ष्मी हमारा मुंह देखने तक नहीं आती हजार पूजा करने के लिए बैठे और वो देखते भी नहीं लक्ष्मी को देखते आंखें बंद है विष्णु की देखो वो ऐसा नहीं कि लक्ष्मी को देख रहे नहीं देख रहे वो आंखें बंद कर और लक्ष्मी उसके पैर दबा रही समृद्धि उसके चरणों में होता है जिसके सात चक्र जाग गए जिसके सात चक्र जो सात फेड़ वाला नाग है वो क्या है हमारे सबके बीच भीतर है <coughs> कुंडली शक्ति जब पूरी जाग जाती है पूरी स्पेस बन जाती है तो परम समृद्धि खींचती है लेकिन इसके साथ एक और बात भी जान ले हम जब तुम्हें कुछ नहीं चाहिए सब कुछ तुम्हारे पास आ जाता है तुम्हें जमीन नहीं चाहिए जमीन आ जाती है तुम्हें खाने के में रस ही नहीं होता है खाने के थाल भरे भरे आते हैं तुम्हारे <laughs> कपड़ों में कोई रस नहीं होता है कपड़ों की बरसात होती है ऐसी हर चीज में होता है लेकिन उसके साथ का रस है समझ लेना तुम्हें कोई रस नहीं रहता यह भी उसके साथ का ही सत्य जब तुम्हें कोई भी रस नहीं रहता बाहर की चीज वस्तुओं में कोई रस नहीं रहता चीज वस्तु अपने आप खींचती आती है देखना आप कि ये बात सच है कि गलत है <coughs> मेरे तो घर में दाना ना दून घर <coughs> मेरे तो घर में दाना ना दून घर मोतियन थाल भर सुदामा मोतियन हाल बरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे सुदामा मंदिर देख डरे ये पंक्ति देखना <coughs> <coughs> याद करी जब श्याम मुरत चित याद करि ज्याूर्त चित याद करी जब श्याम मुरत, मुरत चित पल में दरिद्र हरे सुदामा पल में दरिद्र हरे सुदामा याद करी जब श्याम चित कला के साथ जुड़ी हुई बात है चित्रकारों से जुड़ी हुई बात है कृष्ण का आप रंग देखोगे श्याम दिखाया गया या राम का रंग भी देखोगे तो श्याम दिखाया या किसी भी भगवान का रंग कृष्ण को काला कहा गया कि वो काला था यह आप समझो महाकाली काली की आकृति दी गई पूरी की पूरी मूर्ति काली या कृष्ण की मूर्ति को काला दिखाया गया काला रंग दिखाया गया इसका विज्ञान समझना याद करी जब श्यामूर्त चित जब तुम आंख बंद करते हो प्रारंभ में तुम्हें भीतर अंधेरा दिखाई देता है समझना ही बात काला अंधेरा तुम जब आंख बंद करते हो काला अंधेरा दिखाई देता है वहां से यात्रा प्रारंभ होती है लेकिन उसे कहा जाता है महाकाल जिस दिन से तुमने आंखें बंद करना शुरू किया सोने के समय नहीं सोने में तो ऐसे ही आंख बंद हो जाती लेकिन अपने को जानने के लिए भीतर को जानने के लिए जब तुम तुमने प्रयास प्रारंभ किया समझना ये बात तो जो पहला तुम्हारा परिचय है वो है अंधेरा अंधकार कालापन घनापन और जैसे जैसे तुम रस्य समझते जाओगे भीतर के तब तुम्हें पता चलेगा कि ये जो अंधेरा है वो कितना बड़ा प्रसाद है इसको ठीक से जानना है पूरी की पूरी जो शांति है उसका संबंध इस अंधेरे के साथ है उसे हाथ में से जाने मत देना तो महाकाल उसे कहा जाता है महाकाल का अर्थ है जिस दिन से तुमने आंखें बंद कर दी भीतर को जानने के लिए भीतर शक्ति चाहे वो एक क्षण के लिए मुड़ी मुड़ी ही उसका परिणाम आएगा ही तुमने चाहे एक क्षण के लिए आंखें बंद करियो लेकिन उसका परिणाम आएगा ही। और जब परिचय बनता है हमारा पहला परिचय वो है अंधकार कालापन भीतर तो कुछ दिखता नहीं कालापन तो खाली कृष्ण का रंग कृष्ण काले थे या गोरे थे शंकर केराला से थे और केराला और गोरापन दोनों का झगड़ा चलता रहता है दक्षिण और गोरापन हो ही नहीं सकता भारत और गोरापन गोरापन भारत में का था ही नहीं भारत में ज्यादा से ज्यादा गौ वर्णा कोई भी सफेद व्यक्ति देखो आप समझ लो बाहर से आया हुआ बीज है यहां का नहीं भारत का ओरिजिनल है वो काला काला देखो और भारत ये पूरे जो पृथ्वी है उसका मंदिर का मैं तो मंदिर कहता हूं आप कहो ना कहो लेकिन मैं मंदिर कहूंगा भारत की भूमि को मन, भारत की भूमि जो है वो मंदिर है पूरी पृथ्वी की इसमें जो आध्यात्मिक विकास हो सकता है वो कहीं भी नहीं हो सकता इसके लिए अमेरिका जाने के लिए मुकेश उतावड़ मत करना और गर्लफ्रेंड भी गोजो कहेंगे हम इंटरनेट पर मिलते रहेंगे लेकिन आप आ जाओ यूनिवर्सिटी में मैं यहां रहूंगा तो ये बात समझ तो जो पहला परिचय है वो और ये बात मैं आपसे कहूं सब रहस्य खुल जाते मैं बहुत छोटा था तब तब से मैं देखता था काली की मूर्ति बनाने का क्या राज है क्या रहस्य और कृष्ण इतना काला 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 सब जगह कृष्ण की एक ही बात कृष्ण काला कृष्ण काला इतना काला काला क्यों काले में क्या खराब है काले में ब्लैक ब्यूटी वैजंती माला देखो काली है हिमा मालिनी काली है चाहे कितना ही मेकअप करके गोरा लेकिन वो गोरी नहीं है देखो आप ठीक से भीतर से न दिखने मिले तो भी मैं कह देता हूं वो काली है वैजंती माला काली है लेकिन ब्लैक ब्यूटी सुंदर तो जो चित्रकार है उसे तो काला कभी खराब लगता ही नहीं मैंने तो काले पेंटिंग बहुत किए बहुत खला काला है तो क्या खराब है घलू काला है <coughs> बिहारी को अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि सीरियस रहता है ना मुझे डर लगता है मैं बिहारी को कहूं कि काला है मर जाऊं कैसे बिहार वैसे भी डर लगता है बिहार <coughs> तो जो चित्रकार होता है उसे तो ल, उसे तो ये, मुझे ये लगता था कि काली का रूप है क्या और ये बात मैं एक बार बैठा था जूनागढ़ काली की जबरदस्त मूर्ति भीतर से तो मुझे चल ही रहा था कि काली की मूर्ति रामकृष्ण भी काली को इतना प्रेम करे उसने तो रस रहस्य नहीं कि कहा लेकिन कहा होगा तो भी मेरे हाथ में नहीं आया लेकिन मैं जब एक बार बैठा था काली की मूर्ति बहुत बड़ी है जूनागढ़ की जो जो गिरनार है जहां से हम प्रारंभ करते ऊपर की शिड़िया चढ़ने का वहां बैठे थे और मुझे वो रहस्य आ गया कि हाँ इसका ये रहस्य क्यों महाकाल कहा गया उससे बड़ा काल कौन सा होगा चलो जिस क्षण तुम्हें लगता है कि बुद्धत्व तुम्हें जब प्राप्त होता है वो महाकाल ना तुमने जिस दिन से प्रारंभ किया यात्रा का वो महाकाल जिस दिन से तुमने अंतर यात्रा शुरू की भीतर का साम्राज्य की ओर जब तुम मुड़े वही महाकाल तुम उसे क्यों महाकाल कहते हो कि बुद्धत्व प्राप्त हो तब महाकाल ना वो मन की बात है छोड़ो उसे मैं कहता हूं जिस दिन से तुमने आंखें बंद की और भीतर का अंधकार देखा वो महाकाल इसीलिए काली की मूर्ति को काला रंग दिया गया और भीतर के शत्रु को मारना अब तो पूरा मेरी बात हो गई उसने जो राक्षसों के सारे मुख पहने हैं वो इतने कोई राक्षस बार नहीं कोई बार नहीं और बार चाहे तुम कितने राक्षसों को मारो कोई अंत नहीं एक राक्षस को मारोगे और हजार पैदा हो जाएंगे कोई राक्षस दुश्मनी भीतर भीतर की दुश्मनी नष्ट करो भीतर की दुश्मनी से परिचित हो जाओ तुम्हारे सारे दुश्मन मित्र हो जाएंगे कोई गिला नहीं रहेगा अलका को खंजरी के प्रति या खंजरी को चक्की के प्रति सांस भी मित्र ही लगेगी तो मुझे रहस्य हाथ में आ गया कि कृष्ण काला हो ना हो उससे कुछ लेना देना नहीं लेकिन संकेत इतना है कि जरा आप ठीक से समझना इस बात को कि एक समय में भारत में ऐसा था आज वो बात चली गई दर्शन की प्रक्रिया थी मूर्ति खाली ऐसे नहीं चले गए मूर्ति का दर्शन न था आप मूर्ति का दर्शन बताऊं आपको और आर्टिफिशियल दिया ब... आर्टिफिशियल लाइट भी आज तो पूरे पूरे मंदिर रात लाइट और एक लाइट नहीं विष्णु के ऊपर जब कारा कृष्ण तुम जरा तुम जरा तुम्हें बिठा के देखना जितनी लाइट माता जी के आसपास तुम करते हो जितनी लाइटें तुम जरा अपनी आसपास उतनी लाइट करके बैठना जितने और देखो जरा मंदिर में कितनी समय ये लाइट चलती है इतनी देर अगर पुजारी बैठे लाइट में बैठे तो उसे पता चलता है कि कितनी हैरानी हो करते हैं हम माता जी को कितना हैरान कर और इतना तो समझो कि माता जी हमसे कंटाड़ कर तो डूंगर पर चली गई फिर भी हमें उसे पकड़ कर लाए मंदिर में बिठाया और खाली बिठाया नहीं दिया न किया हमने हजार लाइटें और वो भी आर्टिफिशियल लाइट उस जमाने में थी नहीं अगर जगदम्बा की पूजा करते और आर्टिफिशियल लाइट होगी जगदम्बा आएगी नहीं मैं तुम्हें कह देता जगदम्बा की प्रार्थना करना है तो दिया जला और इतना कभी दरिद्र होगी नहीं पृथ्वी आप करो दिया तेल का दिया करो घी का दिया करो जगदम्बा आ जाएगी लाइटें बंद कर दो आर्टिफिशियल लाइटें बंद कर दो मंदिर में जगदम्बा का अनुभव होगा और एक समय विधि थी कि आप कृष्ण की मूर्ति का ध्यान धरो जैसे कि विष्णु की मूर्ति खुली है काली है चलो विष्णु की मूर्ति काली है उसका ध्यान उसके ध्यान मतलब एक चित से उसे देखो उसके सामने देखो अब जरा आंखें बंद कर देना आंखें जैसे बंद करोगे अब काली मूर्ति है काली का की हो कृष्ण की हो एक समय ऐसा था कि कृष्ण को इतना श्रृंगार नहीं दिया जाता था उसका शरीर खुला रखते थे ताकि कालापन आपको स्पर्श करे और जब वो कालापन पर आप ध्यान करके जब आप भीतर जाते हो काली मूर्ति आती है जिस पर आपने ध्यान किया है तो काली मूर्ति भीतर आती है काली मूर्ति भीतर आती है और भीतर का अंधेरापन समझना इस बात को अंधेरापन के साथ आपका संबंध जोड़ने के लिए काली मूर्ति दी गई कृष्ण काला हो कि न हो ये और बात है काली काली हो कि न हो और बात है लेकिन जो काला रंग दिया गया वो ऐसे वैसे लोगों ने नहीं दिया जिसने अपने भीतर जाना उसने जिसने रंग का उपयोग जोड़ा कि चलो इस रंग से तुम्हें भीतर से जोड़ा जा सकता है कृष्ण को अगर काला रंग दे दो महाकाली को काला रंग दे दो उस मूर्ति पर तुम ध्यान करो पहले खुली आंख से ध्यान करो फिर बंद आंख से ध्यान करो वो मूर्ति डिजोल्व हो जाएगी वो पूरी की पूरी विसर्जित हो जाएगी जैसे जैसे तुम भीतर ध्यान में उतरोगे वो काली मूर्ति धीरे धीरे भीतर का जो कालापन है उसमें पूरी की पूरी डिजोल्व हो जाएगी और पूरा जो विस्तार है कालेपन का उसके संपर्क में तुमको लाया जा सकता है यह उसका केंद्रस्थ भाव है कालेपन का याद करी जब मुरत चित उसका अर्थ है भीतर का दर्शन मुरत चित मीन्स जब सुदामा ने भीतर स्मरण किया जब मन आया जब भी मन आए मन का अर्थ है मांग कुछ पाने की अपेक्षा और तुम्हारे जीवन में दुख आए तुम्हें संपर्क करना सीखना है आत्मा का जब भी तुम्हें लगे कि मेरे जीवन में दुख है उसका अर्थ है तुम तुम बाहर निकल गए तुम्हारे साम्राज्य से बाहर हो कोई बड़ी बात नहीं है तुम साम्राज्य में लौटो प्रारंभ में अभ्यास अगरा लगता है वो तो हमने सब में जाना है शुरुआत में मैथ्स अगरा लगता है चलना अगरा लगता है दौड़ना अगरा लगता है जो जो भी हम सीखते आए हैं प्रारंभ में तो अगरा लगता ही है लेकिन अभ्यास सरल बना देता है याद करी जब शाम मुरत चित याद करी जब श्याम मूर्त चित पल में दरिद्र हरे सुदामा पल में दरिद्र हरे सुदामा पल में दरिद्र हरे जैसे जैसे आत्मा की शक्ति प्रगाढ़ जाती है प्रगाढ़ और तुम्हारा अभ्यास भीतर देखने का अगर तुम्हें दरिद्रता लगती है तो उसका अर्थ है तुम बाहर निकल गए केंद्र से बाहर आत्मा से बिछड़ गए तुम भीतर के आत्मा से बिछड़ गए तुमने जैसे अपने आत्मा को छुआ कि तुम सम्राट तुमने अपने आत्मा को छोड़ा कि तुम दरिद्र ये इसका विज्ञान है याद करी जब शाम मुरत चित पल में दरिद्र हरे कोई भी दुख पीड़ा संताप का सारा संबंध समझ लेना मन तपस्या का अर्थ है मन से ऊपर उठना मांग से ऊपर उठना अपने को जगाना और जैसे 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 तुम जागते जाओगे पीड़ा पार करते जाओ पीड़ा से पीछे नहीं लौटना है दुख से पीछे नहीं लौटना है पीड़ा से पीछे नहीं लौटना है संताप से पीछे नहीं लौटना है दुख को पार करना है दुख को जानना है पीड़ा को पार करना है पीड़ा को जानना है संताप को पार करना है संताप को जानना है याद करी जब श्यामत चित पल में दरिद्र हरे सुदामा मंदिर देख डरे पल में दरिद्र हरे अब जो अंतिम पंक्ति है उसमें तुम्हें पता चल जाएगा कि कृष्ण ने क्या दिया सुदामा को कि कितना ही तुम्हें धन दे दे चलो कृष्ण कहे अगर कि चलो तुम हो जाओ राजा ये सारी समृद्धि में तुम्हें दे देता हूं लेकिन राजा कहा राजा क्या कोई सम्राट हो सकता है बिना जाने अपने को तुम जब तक तुम्हें नहीं जानते अपने का स्वाद नहीं ले सकते तुम दरिद्र ही रहोगे मांग जब तक है तुम्हारे भीतर मांग है तब तक परम समृद्धि का स्वाद संभव ही नहीं और जब तुम्हें परम समृद्धि का स्वाद भीतर तुम एक बार चख जाते हो तुम्हें बाहर की समृद्धि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं ये परम ज्ञान कृष्ण से प्राप्त हो गया सुदामा को सुदामा जब मिलने जाता है कृष्ण को और उसकी जोड़िया जो उसे महल दिखती है वो महल कोई भौतिक महल था ही नहीं थी कृष्ण बना भी सकते तो भी ना बनाते कृष्ण उसे दे सकते थे धन अड़, लेकिन उसे पता था कि अगर ये धन में दे दूंगा कल वो खाली हो जाएगा चलो धनिक लोग आप जरा गुरुओं के पास जाओ जो जो भी नामांकित गुरु है उसके पास जाके देखो आप धनी से धनी लोग है वो दुखी से दुखी होंगे वो खोजेंगे कि इतना धन फिर भी इतना दुख जैसे जैसे आप धन कमाते जाओगे आपको अपनी दरिद्रता का पता चलता जाएगा कि भीतर कितने हम दरिद्र दुख पीड़ा संताप छोड़ता ही नहीं पीछा छोड़ता ही नहीं उसका कारण है कि जब तक हम भीतर को नहीं जान सकते तुम दुख पीड़ा संताप से मुक्त हो ही नहीं सकते यह परम सत्य है और यह परम सत्य हमें जानना है शांति 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 हम हमारे भीतर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे हम हमारे बाहर सदा परम शांति का अनुभव करते रहे सर्वत्र हम सब सदा परम शांति का अनुभव करते रहे इस भावना के साथ इस प्रार्थना के साथ मुझसे जो बोला आपसे जिसने सुना उस परम दृष्टा स्वरूप परम साक्षी स्वरूप परमात्मा के चरणों में मैं मेरा वंदन अर्पण करता हूं मेरा वंदन स्वीकार करे अस्तु